अभी अभी क्या है कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग होता है, शायद रेयर अर्थ यानी कि यूरेनियम है, थोरियम है, नायोबियम है, ये सब जो मेटल है यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी ये कितना साल ये टकेगा, अभी फिलहाल हमारे दोस्त मिल गए जतन भाई। कैसा है आज हमें ये गन्नू भाई को, कैसा चल रहा है आपके गांव में, बारिश कैसी है? बढ़िया है आज, क्या है कि ज्यादा धुआं धुआं है इसीलिए साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, ज्यादातर क्लियर नहीं है ना। बाकी बहुत ही अच्छा, यहाँ सातपुड़े के ये डूंगर को क्या बोलते हैं, ये सातपुड़ा ही बोलते हैं, सातपुड़ा बोलते हैं, महाराष्ट्र वाला है। और उस दिन हम वो कहाँ जामर घाट के कहाँ गए, यहाँ वाटरफॉल है नीचे, नीचे वहाँ पे गए थे आप लोग, उस साइड से आए थे सामने से। अभी भी कुछ लड़के वहाँ पे गए, वो सामने बाइक दिखाई देती है, वहाँ से बहुत सारे लड़के गए उधर जाते, यहाँ पे ये व्यू अच्छे क्लियरली आता है ना। यहाँ लाइट वाइट लाइट तो है लेकिन इस ओर नहीं है, इस ओर नहीं है, अभी बाकी है, अभी बाकी है। और नेटवर्क, नेटवर्क तो अभी है ही नहीं यार, है ही नहीं। अरे यार तो बहुत इश्यू होता होगा ना, वो सब कोरोना में एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, लोगों के लिए कनेक्टिविटी करने के लिए यहाँ ज्यादातर प्रॉब्लम ही है। अभी यहाँ का जियो का टावर है लेकिन अभी चालू नहीं किया, चालू नहीं किया, तो जल्द से जल्द चालू कीजिए जैसे कि हो सके कि यहाँ के गाँव वालों को बेनिफिट हो जाए उसका, तो ऐसा ही करना पड़ेगा। कभी इमरजेंसी होता है किसी को कॉल करना तो आप क्या करते हो? यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, अभी पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है तो नेटवर्क आएगा, तो नेटवर्क आ जाएगा, बहुत थोड़ी बात है यार। और सच्ची बोलूँ ना तो छोटाउदेपुर के अंदर, ये जिले के अंदर, ये गांव आंबा डूंगर के अंदर, ये जो आपको ये नजारा देखने मिलेगा ना, जो पैसा देके आप बनाओगे ना तो भी नहीं ऐसा नजारा, इतना खतरनाक है। और जहाँ के ये लोग यहाँ रहते है ना उनको तो सैल्यूट है यार। और बाजार जाना हो तो आपको कुछ सामान, आपको ये कवाठी जाना पड़ता है, कवाठी तो यहाँ से वाहन बस अलावा, अगर जो नहीं अभी कड़ी पानी जाके आपको बस मिलेगी यहाँ पे, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, प्राइवेट साधन लेके जाओ, ऐसा कोई भी व्हीकल हो तो प्राइवेट व्हीकल हो उसी के कुछ पे जाओ। और कभी 108 की जरूरत हो गई तो, हाँ तो 108 कभी कभी आ जाते हैं वहाँ पहाड़ तक, वहाँ पहाड़ तक जब। और कुछ भी हो यार, यहाँ कुछ भी विकास करे तो गांव वाले को पूछे, वो हाँ के उनकी हाँ है तभी विकास करो। ऐसे प्रकृति में बचा हुआ यही एक गांव है जहाँ प्रॉपरली हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, शायद भील ज्यादा होगा ना, हाँ 95% भील है, भील लोग है ना। हमारे जतन ब्रदर है यहाँ के अच्छे है, और उनकी अभी जॉब शायद दाहोद, हाँ अच्छा है। और अच्छा ऐसे गांव में रहकर पढ़ के गवर्नमेंट जॉब पाना यार बहुत ही मुश्किल है, साथ साथ हम एडवोकेट भी है यार, करना पड़ता है खुद के लिए भी, ये जरूरी है अभी। और कुछ बोलोगे हमारे सब आदिवासी ऑडियंस है, कुछ समझेगा तो ये अभी आप सब देख सकते हो कि गन्नू राठवा सबसे फेमस है, हम भी पहले गन्नू राठवा को पहचानते हैं यूट्यूब पे देख देख के, बहुत ही अच्छे व्लॉगर है, तो उसकी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते हैं। और अच्छा लगता है यार कोई इतने दूर आए, हमें तो बहुत ही दूर लगा लेकिन पहचान वाला कोई मिल जाता है। मैंने सोचा कि उसका घर इस साइड है, इस साइड है, लेकिन बाइक उसके ना होंडा, मैं पहचान गया कि जतन की गाड़ी, पर गाड़ी नंबर पता नहीं था। तो अच्छा लग रहा है कि सैटरडे संडे आप घर ही रहते हो तो मिल गए, तो अच्छा यहाँ रुके आप मिल ही गए, तो हमारे साथ बने रहना। और हमने सोचा है कि हमसे ना अभी 9 अगस्त आ रही है तो आदिवासी लोगों तक कुछ बच्चे ऐसा शॉर्ट मूवी क्रिएट कर रहे हैं जो हमारे एरिया में विकास हो रहा है, तो विकास के नाम पे किसी गरीब का शोषण ना हो, किसी के साथ भ्रष्टाचार अन्याय ना हो, उनके बारे में थोड़े थोड़े सीन लेना है, तो कुछ जो लोकेशन जज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, मैंने सोचा कि उस साइड चलते हैं, देखते हैं किसी के पहाड़ों में गाँव है ऐसा वैसा, थोड़ा वहाँ लोकेशन लेना है तो चेक करते हैं, इसलिए ऐसे ही घूमने चले। हाँ सामने भी, सामने वाला लोकेशन है यहाँ पे भी अच्छा अच्छा दिखता होगा ना, ऊपर से भी अच्छा है, और वहाँ पे तो आप गए होंगे शायद, नहीं बाकी है ये पहाड़ पे ऊपर चढ़ना बाकी है, इसके साइड में रास्ता जाता है ना वहीं से निकलते हैं, यहाँ पे भी काफी अच्छे व्यू आता है ऐसा है। सब कि कितने लोग रहते हैं तुम्हारे यहाँ पे, गांव है तो जो घर होते हैं वो पास पास में है इसीलिए ज्यादा घर नहीं दिखाई देते, बाकी यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3000 से ऊपर है, और सब यहाँ खेती करके अपना जीवन, हाँ खेती पे ही है, खेती एग्रीकल्चर पे ही है सब, और ये पेड़ पौधों में से कुछ जो भी कुछ महुड़े में से अपना जीवन गुजारते हैं, जो कस्टर्ड एप्पल है वो अभी उसके सीजन है, हाँ हाँ कस्टर्ड एप्पल ज्यादा से यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है ऐसा। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा लगा हमें, और आए यार ऐसे पहाड़ों में लोग रहते हैं
जीवन शैली उनकी है यार। और मैं सच बोल रहा हूँ, विकास के नाम पे कुछ भी हो, कोई भी वीडियो देख रहा है तो थोड़ा गांव वालों को भी परमिशन ले, पटेल पुंजारा वडिलों को पूछे, सरपंच को पूछना चाहिए, सबको पूछे, बाद में ही विकास करे। मैं डरता हूँ कि ये सब जो जीवन शैली जी रहे हैं उसका कोई नाश नहीं कर दे यार। अभी अभी क्या है कि अभी आपको पता है कि यहाँ पे ड्रिलिंग होता है, शायद रेयर अर्थ यानी कि यूरेनियम है, थोरियम है, नायोबियम है, ये सब जो मेटल है यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी ये कितना साल ये टकेगा अभी उसका कोई पता नहीं ना। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि गांव वालों के ज्यादा से ज्यादा ऐसा विकास करे कि किसी की जमीन ना जाए, किसी का घर ना जाए, किसी को नुकसान नहीं होए, किसी का शोषण ना होए, ऐसा विकास हमें मंजूर है, हम देने के लिए तैयार है, हमारा देश के लिए हो रहा है तैयार है। लेकिन यहाँ की जो रहनी कहनी है उसे सैल्यूट मैं करता हूँ, और खरेखर जो आदिवासियत है वो यही गांवों में देखने मिल रही है हमें। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा ब्रदर आपसे बात करके और मिलके।